बड़ी खबर की बात करते हैं। सोनू सूद के खिलाफ आईटी सर्वे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी की सोच तालिबानी विचारधारा जैसी है, ये कहा कायंदे ने, और कहा कि आप सरकार का ब्रांच एम्बेसडर बनने पर ये रेड हुई है सोनू सूद के घर। राजनीति पहले ही शुरू हो गई थी और अब इस बीच में शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का बयान और बयान विवादित है और कहा कि बीजेपी की सोच तालिबानी विचारधारा के जैसी है, ये कायंदे का बयान है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आपको सुनवाते हैं। पॉपुलर एक्टर सोनू सूद हैज बीन फेसिंग आईटी रेड्स एंड द रीजन प्रोबेबली इज बिकॉज ही इज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आप गवर्नमेंट एंड दिस इज व्हाट द पीपल शुड बी रेडी फॉर बिकॉज वंस यू सपोर्ट समबडी एल्स एंड नॉट द बीजेपी then probably you become the target of such things that you have to face. It may be a ED or it may be the IT raids. So I think this is very close to Talibani ideology. हालांकि आईटी विभाग के सूत्र साफ कह रहे थे कि सोनू सूद की जो कंपनी है उसका लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ सौदा हुआ था जो जांच के दायरे में है, जिसको लेकर ये जांच आईटी की देखने को भी मिली है। लेकिन इस पर जिस तरह सियासत हो रही है, बयान लगातार हम आपको सुना रहे हैं।